मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मेरा नाम है रवि कुमार और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ. तो आज हम बात करेंगे एडवांस टेंसेस की, जो हम अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं. इस पर प्रॉपर वीडियो होगी बेसिक टू एडवांस लेवल, और जो स्टूडेंट वीक है इंग्लिश के अंदर, उन्हें लगता है टेंसेस हमारे क्लियर नहीं है तो हमारा पेपर मतलब एग्जाम क्रैक नहीं हो सकते. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कुछ टेंसेस के रूल्स देखेंगे. उसके भी हाथ पे आप देख पाएंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी टेंस से रिलेटेड आता है तो आप उसे डील कर पाएंगे. ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एडवांस टेंसेस की. सो गाइस, चलिए हम देख लेते हैं कि टेंसेस में हमने पढ़ना क्या क्या है, कितने टाइप्स हैं. देखिए, हमने यहाँ टेंसेस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट है टाइम ऑफ एन एक्शन, सेकेंड वन जो आपने पढ़ना है स्टेट ऑफ एन एक्शन, एंड थर्ड वन इज फ्रेम ऑफ टेंसेस. तो ये क्या है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ. टाइम ऑफ एन एक्शन क्या होता है, जो हमने नॉर्मल टेंसेस अपनी लाइफ में पढ़े हुए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया. क्लियर? तो ये है टाइम ऑफ एन एक्शन, मतलब एक टाइम पे किसी एक्शन को डिस्प्ले करना ही क्या कहता है, टाइम ऑफ एन एक्शन. नेक्स्ट बात करेंगे स्टेट ऑफ एन एक्शन. एक स्टेट होनी चाहिए. स्टेट मीन्स जैसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस तरह से यूज करते हैं. जैसे फर्स्ट में बात करूँ स्टेटिव वर्ब. स्टेटिव वर्ब मीन्स जब कभी आप हैव का यूज करते हैं, लाइक का यूज करते हैं, अंडरस्टैंड का यूज करते हैं. अंडरस्टैंड, तो कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ आई एन जी का यूज नहीं हो रहा हो नॉर्मल सा. नेक्स्ट प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेस करती हुई. प्रोग्रेस करती हुई मीन्स जिसके अंदर, ऐसी वर्ब जो प्रोग्रेस कर रही हो जिसके अंदर आप आई एन जी का यूज देखते हैं, जिसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं. प्रोग्रेसिव वर्ब आई एन जी, और जिसे हम जीडेंट का नाम भी दे सकते हैं ना. नेक्स्ट प्रिसीडिंग एक्शन क्या होता है, जिसके साथ आप देखते हैं हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिसीडिंग एक्शन, मतलब जो बीत चुका है पहले. लास्ट इज टाइम एक्सप्रेशन वर्ब्स. आपको पता ही है, आपने टेंसेस में पीपीसी पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस. वो ये सेम ही है, जिसके इसे हम टाइमिंग एक्शन भी बोल सकते हैं. इसे हम टाइमिंग एक्शन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको पता है हैज तो आता ही है, हैज हैव का यूज किया जाता है, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और सिंस या फोर का आपको पता है इसके अंदर यूज किया जाता है. क्लियर हो गया? तो ये है स्टेट ऑफ एन एक्शन. किसी मतलब एक्शन की बात की जाएगी जिसमें स्टेटिव वर्ब है, प्रोग्रेसिव वर्ब है, प्रिसीडिंग एक्शन और टाइम एक्सप्रेशन वर्ब. टाइम एक्सप्रेशन वर्ब तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वही है पीपीसी जो आपने रूल पढ़ा हुआ है. तो यहाँ से एसएससी या बैंकिंग या रेलवे अदर एग्जाम्स यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं फ्रेम ऑफ टेंसेस. फ्रेम ऑफ टेंसेस में कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा, किसी टाइम मतलब ड्यूरेशन की बात की जा रही होगी, 1940 या जो भी एक्सरसाइज है, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर डीपली इन्वॉल्व होंगे हम. नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन कितना है. फिर नेक्स्ट हैबिचुअल एक्शन की, कुछ हैबिचुअल एक्शंस होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में चलते रहते हैं ना. जैसे कोई मॉर्निंग वॉक जाता है तो वो डेली मॉर्निंग वॉक जाता है, दैट कम्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. नेक्स्ट बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ. आपको पता है ये कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे सन ईस्ट से उगता है, ये होता है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं ना. जैसे वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो बॉयल होता है. तो ये सारे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं. ये पहली बात तो मैं बता दूँ, फ्रेम ऑफ टाइम में जितने भी सारे ये दिख रहे हैं आपको, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाए जाते हैं. नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ. अच्छा, मैंने बता दिए. हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि भाई अकबर ने इसे मतलब मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. तो हिस्टोरिकल, कभी भी हिस्ट्री की बात होगी, पीछे प्रीवियस ईयर में जाएंगे हम, तो हमेशा वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना होता है हमें. नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूज़ लाइन की हेडिंग या टाइटल्स. कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वैसे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बताया जाता है कि द हिंदू इज द बेस्ट न्यूज़पेपर टू रीड डेली. तो न्यूज़पेपर में आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती है और टाइटल्स जो होते हैं जो बोल्ड करके दिए होते हैं, वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिए जाएंगे. और यहाँ भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक सेंटेंस देखा, अ बॉय किल्ड अ गर्ल. एक एग्जांपल ले रहे हैं,
तो यहाँ पे किल्ड गलत है, क्योंकि यहाँ पे जब फ्रेम ऑफ टाइम में अगर बात हो रही है न्यूज़पेपर टाइटल की, तो हम यहाँ किल्स का यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, अ बॉय किल्स अ गर्ल, ठीक है ना। चलिए वो बाद में बात करेंगे हम। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कमेंट्री। कभी भी आप स्पोर्ट्स के बारे में देखते हैं, स्पोर्ट्स कमेंट्री के बारे में कुछ हेडलाइन आती है या कमेंट्री कर रहे होते हैं, तब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना होता है, ठीक है ना। तो ये है जो आपको एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, जिसके बारे में मतलब टेंसेस के बारे में आपको क्लियर हो जाए आपने पढ़ना क्या क्या चीज है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ बेसिक रूल्स हैं, और बेसिक से एडवांस लेवल रूल्स तक चलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे फाइनली एट द एंड ऑफ द टेंसेस एक हम मिसलेनियस का पार्ट लेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वेरियस क्वेश्चन होंगे जो सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आए होंगे, उसको हम डील करेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, चलिए हम अपना नेक्स्ट फर्स्ट रूल देख लेते हैं टेंसेस से रिलेटेड। रूल नंबर वन ये कहता है कि जब कभी आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे किसी सेंटेंस में, इफ व्हेन एज सून एज इन केस अंटिल अनलेस बिफोर आफ्टर प्रोवाइडेड बाय द टाइम या ऑल्दो, इनमें से कभी भी किसी सेंटेंस में यूज होता है तब आपको एक रूल अप्लाई करना होता है। अच्छा, बिफोर दैट मैं इस रूल को बताने से पहले एक चीज बता देता हूँ कि टेंस का एक रूल क्या होता है, वो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि जब कभी कोई सेंटेंस पास्ट में बन रहा हो, सबसे पहला रूल है ये टेंस का, जब कभी कोई कोई सेंटेंस पास्ट में बन रहा हो तो उसके आगे या पीछे कोई भी सेंटेंस आप देखेंगे तो वो भी पास्ट में ही बनना चाहिए, ये सबसे पहला रूल है। स्टार्टिंग आपकी पास्ट कोई टेंस से हो रही है तो आगे भी पास्ट का यूज होना चाहिए, उसके अंदर फ्यूचर या प्रेजेंट का यूज नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो पास्ट में ओवर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप इसके अंदर पास्ट भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर भी और प्रेजेंट भी यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रेजेंट का रूल लगेगा तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं ये है फ्यूचर के लिए और इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर प्रेजेंट है तो अगर प्रेजेंट चल रहा है तो आपको याद रखना है कि ये फ्यूचर में ही बनेगा। जब सेंटेंस प्रेजेंट में आ रहा है तो आगे या पीछे आपको देख लेना है, फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ चीज दी गई होगी और आपको उसको सही करना है। दोबारा बता दूं, पास्ट से पास्ट फ्यूचर है तो पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, मतलब रूल्स हैं कुछ, मैं उसे बताऊंगा। उसके बाद है प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो उसे फ्यूचर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो रहा ये बात। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कभी भी आप देखेंगे विल और विल, एक सेंटेंस के अंदर कभी भी दो विल का यूज नहीं करेंगे आप, एक सेंटेंस के अंदर कभी भी दो विल का यूज नहीं करेंगे, कभी भी दो शैल का यूज नहीं किया जाएगा, केवल एक ही शैल एक ही विल, और लास्ट इज वुड, कभी भी दो वुड का यूज आप नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ यू विल टेल मी द ट्रुथ आई विल गिव यू रुपीज 100। अब देखिए ये रूल है, रूल नंबर वन, जो इफ आ रहा है यहां से रिलेटेड, तो आपने इफ लगा दिया, ठीक है। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जब कभी भी ये सारे मतलब ये वर्ड्स आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर, आपको करना ये है इसके जस्ट तुरंत बाद, मतलब इन मतलब वर्ड्स के तुरंत बाद आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल लगाना ही लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल लगाना है, ये याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या दूसरा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस, आपने पढ़ा ही होगा टेंसेस में। तो आपको याद रखना है जब कभी भी ये मतलब वर्ड्स का यूज हो रहा हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करना है, वहां पे फ्यूचर का कोई काम नहीं होगा। लेकिन क्या करना है, जब इसके साथ जो सेंटेंस बन रहा हो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में, अगला या उससे पहले कोई सेंटेंस बन रहा होगा उसे आप हमेशा फ्यूचर में बनाएंगे। इसका मतलब इसी के साथ मैं ऐड कर रहा हूं कि अगर इससे पहले फ्यूचर में भी क्या आएगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसका मतलब अगर ये वर्ड्स जो है बीच में आ रहे हैं तो इससे पहले, इसके बाद जस्ट तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट, इससे पहले फ्यूचर का यूज किया जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ जाएंगे फिर।
इफ यू विल टेल मी द ट्रुथ आई विल गिव यू रुपीज 100। इफ आ गया इफ, इफ है ये ना, तो इसमें इफ आ गया तो इफ यू तो सही है, आपको विल गलत कर देना है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया जब ये सारे वर्ड्स का यूज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करें, तो आंसर सही होना चाहिए इफ यू टेल मी द ट्रुथ। क्लियर? दूसरा, चलो आपको ये रूल आता भी नहीं है तो मैंने अभी क्या बताया ऊपर, किसी भी सेंटेंस में दो विल, दो शैल, दो वुड का यूज नहीं होगा। तो इधर देखो, एक विल ये रहा, एक विल ये रहा, तो एक ना एक कोई सा काटना पड़ेगा हमें, कोई एक विल को उड़ाना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो आप बताइए ये वाला रिमूव करो या ये वाला। अब ये देखेंगे इन वर्ड्स का यूज किस विल के साथ हो रहा है, इन वर्ड्स का यूज इस विल के साथ हो रहा है तो इससे मतलब रिमूव करना पड़ेगा। तो आपका एग्जैक्ट आंसर मतलब जो सही होना चाहिए था वही था, इफ यू टेल मी द ट्रुथ आई विल गिव यू रुपीज 100। क्लियर? तब ये सेंटेंस ही, तो सेंटेंस ये बन रहा है, ये वाला वर्ड आ गया, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस आगे जो भी सेंटेंस बन रहा हो फ्यूचर, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाएगा। सेकेंड, व्हेन शी विल गेट बैक शी विल पे बैक द मनी, जब वो वापस आएगी तब वो आपको पैसे आपके लौटा देगी। क्लियर? अच्छा ये मैं बता देता हूँ कि अगर मैं इस सेंटेंस को हिंदी में बनाऊ ऊपर वाले सेंटेंस को या सभी को, तो दोनों के अंदर फ्यूचर का यूज किया जाएगा। देखो, अगर तुम मुझे सच बताओगे, इधर आ तो ये रहा है कि सच बताओगे, लेकिन हमें बनाना है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर आप मुझे सच बताओगे तो मैं आपको 100 रुपीज दूंगा, तो दोनों में फ्यूचर आ रहा है, लेकिन ये हिंदी के प्रोनंसिएशन में आएगा, इंग्लिश में ऐसा नहीं करना है। इंग्लिश में हमें पहले जो वर्ड्स के साथ आ रहा है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने की जरूरत है। इधर देख लेते हैं, एक सेंटेंस के अंदर दो विल का कोई काम नहीं होगा, तो दो में से कटना चाहिए, कौन सा कटना चाहिए, इन वर्ड्स के साथ जो विल आ रहा है। तो देखो व्हेन के साथ ये विल आ रहा है तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, व्हेन शी, अब गेट बैक आंसर गलत है क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो गेट्स बैक आंसर एकदम सही, व्हेन शी गेट्स बैक शी विल पे बैक द मनी। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई विल मीट राहुल, जब मैं राहुल से मिलूंगा आई विल इन्फॉर्म हिम अबाउट यू, मैं आपके बारे में उसे इन्फॉर्म कर दूंगा। हिंदी में दोनों में फ्यूचर बन रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें क्या करना है, इफ आ गया, इफ के साथ एक ये विल है, इधर कुछ नहीं है, तो मतलब ये सब्जेक्ट के साथ है, तो ये विल हटेगा या ये विल, आपको पता है ये विल हटा दिया जाएगा। इफ आई मीट राहुल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, एकदम सही है, इफ आई मीट राहुल आई विल इन्फॉर्म हिम अबाउट यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा, एज सून एज I will get an information about your problem. अब इधर देखेंगे यहाँ, first will ये रहा, second will ये रहा, तो इनमें से एक कट करने की जरूरत है हमें, लेकिन हम देखेंगे किसके साथ क्या वर्ड यूज हो रहा है। यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है as soon as, आपको दिख पा रहा होगा as soon के साथ, as soon as के साथ I will आ रहा है ना, तो आपको दिख रहा है as soon as कहाँ है, ये रहा वर्ड साथ ही, जैसे कि I will let you know, जैसे ही, इसका मतलब होता है जैसे ही। अब इसके साथ ये विल आ रहा है तो इसका मतलब ये विल कटने की जरूरत है, मतलब रिमूव करने की जरूरत है, बाकी सेंटेंस सही है। आई विल लेट यू नो, क्योंकि मैंने बताया था ना, ये देखिए अगर सेंटेंस मतलब ये वर्ड्स आ रहे हैं इसके जस्ट तुरंत बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज किया जाएगा। आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा जैसे ही आई गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हर, अबाउट योर प्रॉब्लम, तो यहाँ विल कट कर दिया जाएगा। When he will come here, जब वह यहाँ आएगा, he will help me, वो मेरी मदद करेगा। तो आप होता है when के साथ will आ रहा है तो ये कट जाएगा क्योंकि एक sentence में दो will का use नहीं किया जाएगा। When he, अब यहाँ भी गलती है भी, when he comes here आना चाहिए क्योंकि present indefinite में आएगा ना, when he comes here, he will help me। I will make you happy, provided you make me happy. Provided मतलब क्या होता है? अच्छा इसका मतलब तो आपको सभी को पता होगा, if मतलब यदि, when मतलब जब, as soon as पता ही है, in case कोई, until unless मतलब जब तक, ये क्या है मतलब किसी timing action को represent करता है, और unless कोई शर्त को है ना, कोई मतलब foundation है, before after पता ही है, provided मतलब होता है बशर्ते by the time मतलब time रहते, although मतलब हालांकि। इधर देखेंगे, I will make you happy, मैं आपको खुश कर दूंगा, provided मतलब बशर्ते you make me happy, तो provided ये वर्ड है, इसके साथ यहाँ पे will तो लग नहीं रहे, यहाँ present indefinite आ रहा है, तो ये sentence है क्योंकि यहाँ पे present indefinite और इससे पहले
विल मतलब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस एकदम क्लियर है, मतलब सही है, कोई इसमें एरर डिटेक्शन नहीं है. अनलेस ही विल कम टू मी आई विल टीच हिम, जब तक जब वह यहां आएगा तब मैं उसे पढ़ाऊंगा. ठीक है ना, इधर देखेंगे अनलेस आ गया, इसके साथ विल सबसे पहली गलती, क्योंकि मैंने बताया अभी इसके साथ क्या आएगा प्रेजेंट इट, अनलेस ही कम्स टू मी आई विल टीच हिम. क्लियर हुआ. नेक्स्ट है इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, अगर आप तेज भागोगे तो जीत जाओगे. तो इसमें देख लेते हैं इफ के साथ क्या रहे, इफ यू रन, इसका मतलब विल का यूज नहीं हो रहा है, आग केवल इस सेंटेंस में एक ही विल है, और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, यू रन प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, यू विल विन द रेस, तो ये एकदम सही सेंटेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आई थिंक सो रूल नंबर आपको वन क्लियर हो गया. एडवांस टेंसेस हमने एडवांस इसलिए लिखा है, यहाँ पे रूल्स बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आपको एक एक अच्छे से रूल जान लेना है. ठीक है ना, तो आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया है. चलिए हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. सो गाइस चलिए हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर टू. रूल नंबर टू ये कहता है जब कभी इट इज हाई टाइम या दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, इस मतलब इन वर्ड्स का कभी यूज हो रहा हो किसी सेंटेंस में तो हमें क्या यूज करना है. याद रखेंगे जब कभी आपको ये कभी दिख जाए इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो आपको इसके जस्ट तुरंत बाद मतलब इसके बाद जो भी सेंटेंस आ रहा होगा तो सब्जेक्ट तो आएगा ही उसी के अंदर, उसके अंदर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना, ना प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, ना फ्यूचर यूज करना है, विल वगैरह शुड वगैरह सारी चीजों को अवॉइड करना है. बस केवल आपको क्या यूज करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस. हालांकि हमें सेंटेंस सही लग सकता है कि ये एक अच्छा टाइम है आपको, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने बताया जब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम आए, तो यहाँ पे देखो इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग एकदम गलत है. आंसर क्या होना चाहिए, यू स्टार्टेड अ बिजनेस, यू स्टार्टेड अ बिजनेस मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, यू स्टार्टेड अ बिजनेस. नेक्स्ट है इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल. आंसर फिर गलत, ये यू हैव टेकन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो है प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, लेकिन अभी हमने बताया कि इट इज अबाउट टाइम के साथ हमेशा क्या लगना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म के. तो यू टेक, टेक की सेकंड फॉर्म took, तो आंसर यू took योर चाइल्ड फ्रॉम द स्कूल, ये एकदम सही सेंटेंस होना चाहिए. इट इज टाइम वी शुड डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, ये अच्छा टाइम है कि हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन सेंटेंस शुड नहीं होना चाहिए, द राइट सेंटेंस शुड बी इट इज टाइम वी did something, we did something for our country. तो यहाँ पे should do नहीं आना चाहिए, did का use होना चाहिए क्योंकि भी मिलता है subject के साथ verb की second form, past indefinite का use किया जाएगा. This is the first time I am seeing you. ये बिल्कुल गलत है. पहली बात तो see देखने के लिए कभी use नहीं होता है. See मतलब होता है यहाँ पे मिलना. See मतलब देखना होता है, लेकिन ing अगर आप use कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है आप किसी से मिल रहे हैं. Today I am gonna see, I am going to see. Today I am going to see you. तो ये sentence है, लेकिन अगर मैं बात करूँ today I am going to see Prime Minister of India, तब sentence क्या है कि आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही गलत है. This is the first time, ये आगे है हमारा, this is the first time, ये second है, अब यहाँ से start हो चुका है. This is the first time, last time, second time, ऐसा कभी use हो रहा हो तो आपको क्या करना है, subject लगाना है, उसके बाद has और have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है. इसका मतलब हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज यहाँ पे करना है. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू, आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू, ये एकदम सही सेंटेंस है. दिस इज द लास्ट टाइम यू आर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, नहीं ये गलत सेंटेंस है. यू आर अपियरिंग इन, यू हैव अपियर्ड, यू हैव अपियर्ड in the examination, तब ये sentence एकदम correct होना चाहिए. This is the second time you promised me, ये आपका second chance है, मतलब second time है, आपने मुझे promise किया. हालांकि आपको sentence पढ़ने में एकदम सही लग सकता है, लेकिन grammatically error यहाँ पर है. जब हम कभी इसका use करें तो you promised नहीं होना चाहिए, you have promised. I think so आपको ये clear हो रहा है.
लास्ट सेंटेंस वही दोबारा, इट इज हाई टाइम यू स्पीक द ट्रुथ, फिर से गलत है, इट इज हाई टाइम के साथ हमेशा यू तो सही है, सब्जेक्ट उसके साथ स्पोक आना चाहिए, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना ही करना, तो स्पीक नहीं यूज होगा, यू स्पोक द ट्रुथ। आई थिंक सो रूल नंबर टू भी आपको क्लियर हो गया। इसके अंदर बहुत मतलब छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटे छोटे से फिर हम एडवांस लेवल मतलब रूल्स पर चलेंगे, जो आप देखेंगे कि वही यही ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो। चलिए हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सो गाइस चलिए हम अपना रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं। रूल नंबर तीन क्या कहता है, ये बात करेंगे हम इसके बारे में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। वैसे ये एडवर्ब का चैप्टर नहीं है, लेकिन ये एडवांस टेंसेस का एक पार्ट है। देखिए इसे हम मिड पोजिशन एडवर्ब भी बोल सकते हैं, मिड पोजिशन एडवर्ब। ये क्या होते हैं, देखो ये सारे जो वर्ड्स हैं, दीज ऑल कम इन एडवर्ब्स, ठीक है ना। तो ऑलवेज हो गया, हमेशा, ऑफन, जनरली, आपको पता है, यूजुअली, समटाइम्स, ओकेजनली, कभी कभार, रेयरली मतलब बहुत कम, रेयरली बहुत कम, सेल्डम, हार्डली, एवरी मॉर्निंग, एवरी ईयर, वीक, जब कभी भी इन वर्ड्स का यूज हो रहा हो मतलब एडवर्ब्स का, तो हम करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है सब्जेक्ट और उसके अंदर वर्ब देखना है। तो आपको याद रखना है ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद और वर्ब से पहले यूज किए जाएंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इन वर्ड्स का यूज किया जाएगा। दूसरा, ये हमेशा प्रेजेंट को डिनोट करते हैं, ये याद रखना, ये हमेशा प्रेजेंट को डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही इसके फॉर्मेट को बनाया जाएगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाएगा इसके साथ, है ना। दोबारा बता रहा हूँ, मिड पोजिशन, मिड मतलब बीच में, मिड एकदम मिड में आ रहे हैं ये वर्ड्स, पोजिशन एडवर्ब्स, ऐसे एडवर्ब जो मिड में अपना पोजिशन लेते हैं सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद और वर्ब से पहले। तो कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, ये है सब्जेक्ट, ये है यहाँ पे वर्ब, तो इससे जस्ट तुरंत पहले है और ही से मतलब सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद है और वर्ब से पहले है, तो यहाँ पे ये एकदम सही है, ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट। आप इसे ऐसे नहीं कर सकते ही कम्स ऑलवेज, या आप इसे पहले लिख दें मतलब ऑलवेज ही कम्स, ये बिल्कुल गलत है, मतलब ये सेंटेंस एकदम सही है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले। नेक्स्ट देखेंगे, ही कम्स रेयरली हियर, फिर आपको पता चला यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ वर्ब है, तो इसके बीच में आना चाहिए, ना कि ये हेल्पिंग मतलब ये जो एडवर्ब है ये बाद में यूज नहीं किया जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, ही रेयरली कम्स हियर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, शी गोज सेल्डम शॉपिंग, फिर आपको पता चल रहा है कुछ ना कुछ गलती है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, गोज ये है वर्ब, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, तो इसका सही आंसर होना चाहिए शी गोज, सॉरी शी सेल्डम गोज शॉपिंग, वो कभी कभार ही शॉपिंग पर जाती है ना। नेक्स्ट, ही हार्डली कम्स टू मी, ही हार्डली कम्स टू मी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, इसके बीच में आ रहा है मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहा है, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। You teach me often, या आप ऐसे बोलना चाहें often you teach me, तब भी सेंटेंस गलत है। सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में often, you often teach me, आप अक्सर मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद और वर्ब से पहले, तभी इन्हें मिड पोजिशन एडवर्ब या टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कहा जाता है, जब इसे बीच में यूज किया जाता है। आई स्पीक समटाइम्स द ट्रुथ, फिर आपको पता चला ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तो कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में वो वर्ड आना चाहिए। I sometimes speak, तब ये सेंटेंस है, तो speak यहाँ नहीं आएगा। I sometimes speak the truth, तब एकदम सही है। रविंदर usually coming here, तो ठीक है, रविंदर आगे ये सब्जेक्ट है, ये क्या है मतलब एडवर्ब है, एकदम सही है, और यहाँ वर्ब आ रही है, ये भी सही है, तो आपको लगेगा सेंटेंस सही है, लेकिन सेंटेंस यहाँ रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट को डिनोट करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन सेंटेंसेस का को बनाया जाता है। रविंदर यूजुअली कम्स आना चाहिए यहाँ, क्या कमिंग नहीं, कम्स, क्या आना चाहिए, कम्स हियर। यू हैव ओकेजनली इन्वाइटेड टू द पार्टी, यू हैव ओकेजनली नहीं,
ऑकेजनली भी गलत, मतलब यहाँ पे ऐसे यूज नहीं होगा, यू ऑकेजनली इनवाइट, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यू ऑकेजनली इनवाइट टू द पार्टी। आई थिंक सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। रूल नंबर थर्ड था हमारा जो इससे रिलेटेड था, बस आपको ये इसकी पोजीशन जाननी थी, पोजीशन के अकॉर्डिंग ये एग्जाम में पूछा जाता है और इसको आगे पीछे कर दिया जाता है। तो आपको याद रखना सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद और वर्ब से पहले हम मिड पोजीशन एडवर्ब का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। सो गाइस चलिए हम रूल नंबर फोर देख लेते हैं। रूल नंबर फोर ये कहता है जब कभी, वैसे पास्ट का रूल है, जब कभी yesterday morning, evening, last day, night, last night, last evening, the day before yesterday, in August 1988, means कोई timing action की बात हो रही हो जो past में जा रहा हो, September 1992 या ago की बात हो रही हो, तब हम क्या use करेंगे? आपको मैंने यहाँ कुछ questions लिख दिए हैं। चलिए अगर मैं इसको अब एक error detection की तरह एक part दूँ तो आपको बताना है कहाँ गलती है। तो अगर मैं यहाँ फर्स्ट ये कर दूँ, ए ऑप्शन ये गलती है, बी ऑप्शन ये गलती है, सी ऑप्शन ये गलती है, लास्ट इज नो एरर। आई हैव कम टू नो दैट फर्स्ट सेंटेंस, आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस गलत है, मतलब इनमें से कौन सा गलत होना चाहिए। दैट हिज फादर, बी ये गलत होना चाहिए या सी ये गलत होना चाहिए, लास्ट इज नो एरर और आपको पता है वो ऑप्शन है डी। Perhaps she knows A गलत होना चाहिए, B गलत होना चाहिए या C गलत होना चाहिए, आपको बता देना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सेम आपके एग्जाम में इस बिहाफ पर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे। तो आपको इधर देखना है जब कभी इन वर्ड्स का किसी सेंटेंस के एंड में यूज हो या स्टार्टिंग में, दोबारा बोल रहा हूँ, ये वर्ड्स किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में या किसी सेंटेंस के एंड में यूज होंगे। yesterday मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, द डे बिफोर yesterday, मतलब परसों, मतलब जो बीता हुआ परसों है ना उसे बोलते हैं द डे बिफोर yesterday, इन ऑगस्ट कोई टाइम आ जाए। तो आपको इनसे ये पता चल रहा है कि ये पास्ट में कोई मतलब घटना हुई है उसके बारे में बात की जा रही है। माई अंकल हैज लेफ्ट, अब आपने करना क्या, इधर देखेंगे, जब कभी भी इन वर्ड्स का यूज हो जो पास्ट को डिनोट कर रहे हो, आपको क्या करना है, इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला काम नहीं आएगा। देख लेते हैं, माय अंकल हैज लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे, तो लास्ट सैटरडे आ गया, इसका मतलब जो भी सेंटेंस बनना चाहिए वो वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बनना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया हुआ है, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होना चाहिए, ए। तो आंसर होगा माय अंकल लेफ्ट, है ना, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट फॉर मुंबई लास्ट सैटरडे, ना कि हैज लेफ्ट। सेकंड, आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड लास्ट वीक, इधर लास्ट वीक से पहला सेंटेंस कौन सा, ये वाला दैट हिज फादर हैज डाइड नहीं होना चाहिए, दैट हिज फादर डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, डाइड लास्ट वीक। परहैप्स शायद शी नोज दैट शी हैज कंप्लीटेड हर टास्क यस्टरडे, यहां यस्टरडे आ चुका है तो इससे पहले जो भी सेंटेंस बनेगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी केवल, और कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें यहां हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो ये गलत है, तो यहां से हैड कट कर देता हूं, हैज सॉरी। तो आंसर आपका ये सही, परहैप्स शी नोज दैट शी कंप्लीटेड हर टास्क यस्टरडे, लास्ट नाइट आई ड्रिंक आई वॉज ऑन द 69th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा, मैंने रात को एक सपना देखा कि मैं 69th फ्लोर पे था बुर्ज खलीफा के, तो लास्ट नाइट आ गया, इसका मतलब आपको पता चल गया कि लास्ट नाइट अब ये स्टार्टिंग में आ गए और ये पास की बात की जा रही है, तो आगे जो भी सेंटेंस बनना चाहिए वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। यहाँ तो आई ड्रिम आ रहा है, ड्रिम, आई ड्रिम मीन्स मैं सपना देखता हूँ या मैं सपने देखता हूँ, ठीक है ना, तो ये तो है मैंने एक सपना देखा, आपको ये बनाना है, तो इधर होना चाहिए लास्ट नाइट आई ड्रिम्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म ड्रिम्ड। अच्छा, ड्रिम की दो वर्ब हो सकती है सेकंड फॉर्म, एक तो ड्रिम्ड आप ईडी लगा सकते हैं या दूसरा टी लगा दे पीछे, ड्रिम्ड, तो दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ड्रिम की। बाकी सही है सेंटेंस, आई रिमेंबर दैट ही हैड मेड मी
द डे बिफोर यस्टरडे, मुझे याद है वो मुझे परसों मिला था, है ना? तो आपको ये समझ में आ गया, द डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों की बात हो रही है, लेकिन गलती यहाँ हैड नहीं होना चाहिए, अ ही मेड मी केवल, क्योंकि हमें यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। बांग्लादेश हैज कम इन टू एग्जिस्टेंस 36 years ago, मतलब बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आ चुका था 36 years ago पहले ही। तो अगो मतलब पहले, है ना, पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ फिर से गलती, 36 years ago तो सही है, तो इससे पहले हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। तो बांग्लादेश हैज नहीं और कम भी नहीं, इसकी जगह आना चाहिए केम, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है केम, मतलब कम की सेकंड फॉर्म केम। बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस, कम इनटू एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में आना। माय सिस्टर हैज गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो, मतलब एक महीने पहले ही मेरी जो सिस्टर है वो इंग्लैंड गई थी, गई है पढ़ने के लिए। तो आपको पता है कि यहाँ हैज और गॉन का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट को डिनोट कर रहा है, और जो भी वर्ड्स ऐसे हो जो पास्ट को डिनोट करे उसके साथ कोई भी सेंटेंस बन रहा हो वो आपकी सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आंसर इज माय सिस्टर वेंट, क्योंकि वो आपकी सेकंड फॉर्म गो की वेंट। माय सिस्टर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज ओनली अ मंथ अगो। आई थिंक सो रूल नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया है, और आप खुद प्रीवियस ईयर के पेपर उठा सकते हैं, कोई भी मतलब कमीशन हो उसके आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, इस सारे सेम क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर ही उठा रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी पूरा टेंस जब हो जाएगा, इतने सारे रूल्स हो जाएंगे, तो कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे सब इसी में से मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप देख लेना सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। चलिए हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सो गाइस चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 ये कहता है, जब कभी, येट, सो फार, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, अप टू नाउ, ऑफ लेट। येट मतलब अभी तक, सो फार मतलब जल्द ही, ऑलरेडी मतलब पता ही आपको, ऑलरेडी रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में, लेटली मतलब भी हाल फिलहाल में, अप टू नाउ मतलब अभी तक, ऑफ लेट मीन्स आजकल, आजकल इसका मतलब अभी तक, अभी तक जस्ट मतलब अभी, रिसेंटली मतलब अभी, अभी तक या अभी भी, ऑलरेडी आपको पता है, सो फार मतलब जल्द ही। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस के एंड में या स्टार्टिंग में इन सभी चीजों का यूज होगा तो आपको क्या यूज करना है यह देखेंगे। जब कभी ये वर्ड इन सभी वर्ड्स का यूज हो तो आपको हमेशा याद रखना है हैज और हैव का यूज करना है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है। जैसे मैं बोलूँ द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब ट्रेन पहले ही जा चुकी है, तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी लेफ्ट एकदम सही है, लेकिन नहीं, सेंटेंस यहाँ थोड़ा गलत है। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट होना चाहिए, द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, पहले ही जा चुकी है ऑलरेडी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करते हैं। राजेश डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क अप टू नाउ, राजेश ने अभी तक, अप टू नाउ मीन्स अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, ठीक है ना? तो किया है का प्रोनंसिएशन आया दैट दैट कम्स इन प्रेजेंट परफेक्ट, यू नो दैट। तो यहाँ डिड नॉट गलत है, क्योंकि भाई अब ये बताओ जब हैज नॉट, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनता है? हैज या हैव के साथ नॉट आता है ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर डिड क्यों लगाया जा रहा है? डिड तो तब आता है जब यहाँ मैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाता हूँ सभी के साथ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया यहाँ गलती है, इधर आना चाहिए माई मदर हैज नॉट, माई मदर हैज नॉट और कुक्ड, कुक्ड द फूड फॉर मी येट, क्योंकि यहाँ येट का यूज हो रहा है, येट, तो इसके साथ डिड नॉट का यूज नहीं किया जाएगा, क्लियर। द न्यूज ऑफ हिज डेथ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड सो फार, जल्द ही उसकी जो डेथ है उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। तो आपको पता है सो फार का यूज हो रहा है, सो फार ये रहा, जल्द ही। तो द न्यूज ऑफ हिज डेथ has not declared एकदम सही है, has not declared, ठीक ना, तब ये सेंटेंस सही है। My friend lamented, मेरा फ्रेंड बहुत ज्यादा मतलब उसे पश्चाताप हुआ, that a complete report was sent to the department, एक complete report send कर दी गई थी department को, लेकिन no action is being taken so far, लेकिन कोई भी action नहीं लिया जा रहा है, तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमने बताया कि अभी सो फार आ जा रहा है, जब
इधर सो फार आ गया है, तो इसके साथ हमेशा हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए। तो आंसर है नो एक्शन हैज बीन टेकन, हैज बीन टेकन सो फार। अब आप बोलेंगे कि भाई हैव हैज के साथ बीन क्यों लग रहे हैं, तो आपको पैसिव वॉइस पता होना चाहिए। नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार इज द राइट, नो एक्शन हैज टेकन गलत होगा, क्योंकि एक्शन अपने आप नहीं हो जाएगा, एक्शन किसी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना। तो नो एक्शन इज बीन टेकन की जगह हैज बीन टेकन होना चाहिए, हैज बीन टेकन, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेगेटिव फॉर्म में हैज नॉट हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, डिड द पोस्टमैन नॉट पोस्ट द लेटर येट, क्या पोस्टमैन ने अभी तक पोस्ट नहीं किया लेटर को, तो आपको पता चल गया डिड का यूज गलत है, क्योंकि येट आ रहा है, तो येट से पहले हमें क्या लिखना है इधर, द पोस्टमैन, पोस्टमैन के साथ हैज आएगा या हैव, आपको पता हैज का यूज करना थी, तो इधर आएगा हैज द पोस्टमैन नॉट पोस्टेड, पोस्टेड, हैज द पोस्टमैन नॉट पोस्टेड द लेटर येट। I just saw that film. Just आ गया, yeah, just. तो यहाँ गलती है, तो ये बनेगा I have just seen, क्योंकि थर्ड फॉर्म है seen ना कि saw. तो I think so आपको ये क्लियर हो गया है कि yet, so far, already, recently, lately, up to now, और इन सभी का यूज जब भी कभी करेंगे तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, पास्ट इंडेफिनेट का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, जो आपके एग्जाम में एरर डिटेक्शन के तौर पर आएगा। I think so, आपको रूल नंबर 5 भी क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सो चलिए गाइस नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 6 है, इसे बोलते हैं शिफ्टिंग सेंटेंसेस या शिफ्टिंग एरर्स। आपको एरर्स फाइंड आउट करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आई आस्क माय मदर व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर, तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि उन्होंने खाने में क्या बनाया था, ठीक है ना, उन्होंने क्या कुक किया हुआ था, प्रिपेयर किया हुआ था डिनर के लिए। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस सही लग सकता है, लेकिन पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे आई आस्क माय मदर, मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि उन्होंने खाने में क्या बनाया हुआ है ना, मतलब उन्होंने डिनर के लिए प्रिपेयर कर लिया है ना चीजें जो भी है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो वर्ड का यूज हो रहा है इसे हम डब्ल्यू एच फैमिली बोलेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली जब कभी भी यूज किया जाएगा, डब्ल्यू एच फैमिली में बाय वेयर व्हाट व्हेन, आपको पता ही है डब्ल्यू एच फैमिलीज होती है। तो जब कभी भी आपको सबसे पहले रूल ये याद रखना है, डब्ल्यू एच फैमिली का यूज किसी सेंटेंस के बीच में हो रहा है, ठीक है ना, और उससे पहले, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, उससे पहले दैट का यूज बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी डब्ल्यू एच फैमिली का यूज हम अगर स्टार्टिंग मतलब सेंटेंस के बीच में कर रहे हैं उससे पहले दैट का यूज बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद हमें ये देखना है कि सेंटेंस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या कुछ चीज बता रहा है। इधर देखो, मैं यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी से ये पूछा कि आपने खाने के लिए क्या बनाया ना, तो वो क्वेश्चन नहीं कर रहा, वो पूछ रहा है उससे ना, मतलब व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे बनाऊँ, आई आस्क माय मदर व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, तब सेंटेंस सही है गलत है, तब देखिए मैं बताता हूँ। अच्छा आप ये बताइए, अगर मैं इस सेंटेंस को हटा दूं और मैं बोलूँ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, और एंड में मेरे को क्वेश्चन मार्क भी तो लगाना पड़ेगा कि मतलब उन्होंने क्या बनाया था डिनर के लिए, क्लियर हो गया। लेकिन अभी मैं उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं उन्हें इधर मैंने पूछ लिया है अपनी मम्मी से कि क्या बनाया हुआ है। तो इधर ये याद रखना है, जब कभी भी व्हाट वेयर व्हेन मतलब डब्ल्यू एच फैमिली बीच में यूज हो रही हो, तो आपको मतलब याद रखना है वो है शिफ्टिंग एरर, इसका मतलब आपसे वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है। जैसे पहले इसको छोड़ करके मैं इससे देखता हूँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट इज योर नेम, अच्छा ये बताओ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, ये बताओ, मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने बोला आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, तो ये सेंटेंस गलत है। कैसे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ व्हाट योर नेम इज, व्हाट योर नेम इज, क्लियर हो गया। यहां मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ ना कि आपका नाम क्या है, मैं तो चीजें बता रहा हूँ कि भाई मैं नहीं जानता कि आपका नाम क्या है। तो इधर देखो, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, इसका मतलब क्या हो रहा है,
ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के बार में यूज की जाएगी। अच्छा यहाँ दूसरी चीज ये भी देखो, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, मैंने क्वेश्चन तो लगाया नहीं है क्वेश्चन मार्क की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि भाई मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है। दोबारा से देखो, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, तब सेंटेंस सही है। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, तब ये सेंटेंस ही गलत है क्योंकि मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो यहाँ सेंटेंस हो जाएगा योर नेम इज। इधर देखो, आई आस्क माई मदर, मैंने मम्मी से पहले ही पूछ लिया है, अपनी पूछने के लिए तो यूज होता है। आई आस्क माई मदर व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर, एकदम सही है। ये वाला सेंटेंस इसलिए गलत है कि अगर आप हैड शी लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना यहाँ पे, और क्वेश्चन मार्क तो है नहीं क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है बस केवल, ठीक है ना। अब देखिए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, दैट व्हाई हैवंट यू कंप्लीटेड योर वर्क। अच्छा, haven't मतलब have not, और उसके साथ subject कब आता है? जब हम question पूछे हो किसी से और end में question mark का use हो। तो लेकिन यहाँ पे मैं उसे question नहीं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। I don't know, मैं नहीं जानता, that सबसे पहले यहाँ पे ये गलती कि that का use नहीं हुआ। मैंने बताया था I don't know, मैं नहीं जानता हूँ, why इसके लिए क्या use होगा? You have not, why haven't, Why you haven't completed your homework? तब sentence सही है। Haven't का use इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ question नहीं पूछ रहे कि आपको question mark लगाने की ज़रूरत है। वहाँ question नहीं पूछ रहे। Next देखते हैं। Next देखते हैं। When the robbers stole the jewelry and where did they hide it? आप देखो, मैंने end में question mark लगाया है। अब यहाँ पे ये question पूछ रहा है। इसका मतलब जब कभी question पूछेगा तो आपको helping verb पहले लगानी है, उसके बाद subject लगाना है। जब कभी क्वेश्चन मार्क पीछे दिया जाएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है और उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन जब केवल सिंपल डॉट दिया हो और क्वेश्चन मार्क नहीं हो तब आपको पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, डिड आ जाए, हैव आ जाए, हैड आ जाए, वॉज आ जाए, है ना, ये सभी चीजों का बाद में यूज करना है। देखो इधर, When the robbers stole the jewelry and where did they hide it? देखो, did helping verb और they subject, तो helping verb पहले फिर subject, helping verb पहले फिर subject, उसके बाद question mark। देखो question mark गया, इसका मतलब यहाँ पे अब ये question पूछ रहे हैं, where did they hide it? उन्होंने jewelry को कहाँ छुपा दिया? अब ये बताओ, जब where did they hide it, आपने इसमें ये वाला rule लगाया है, तो इससे पहले भी तो यही rule लगना चाहिए। When, अब इधर क्या होना चाहिए, डेड, वेन डेड द रॉबर्ट्स स्टील, ठीक है ना, स्टील द ज्वेलरी, ये सेंटेंस ही होना चाहिए क्योंकि वो पूछ रहा है ना कि बता रहे, अब वो पूछ रहा है, ठीक है ना। वेन डेड द रॉबर्ट्स स्टील द ज्वेलरी, उन्होंने कब चोरी की ज्वेलरी, एंड वेयर डेड दे हाइड इट, उन्होंने कहाँ छुपा दी। अभी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस इस हिसाब से सही है। Why you don't read the newspaper again and again? अब देखो, सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तब यूज होता है जब हम किसी से क्वेश्चन ना पूछे, हम बता रहे हैं। लेकिन आप इधर देखो, पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। Why अब यूज होना चाहिए, why don't you read the newspaper again and again? क्लियर हुआ? अब ये सेंटेंस सही है। इसका मतलब आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करना है शिफ्टिंग एरिड्स में, बस इतना ही करना है। क्योंकि अब यहां मैं क्वेश्चन पूछूं तो व्हाई डोंट यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ओल्ड लेडी आस्क्ड मी, ओल्ड लेडी ने मुझसे पूछा वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ठीक है ना। अब ये बताओ, द ओल्ड लेडी आस्क्ड मी वेयर, दैट तो आ नहीं रहा है तो एकदम सही है, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, द मैरिज हॉल was, ये सही होना चाहिए या मैं ऐसे करूं, where was the marriage hall? आप ये बताओ इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए। अब ये बताओ, उसने केवल पूछा है ना कि बता रहे, मतलब यहां इसने पूछ लिया है ना आज, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भी नहीं लग रहा, तो आपको याद रखना है वेयर तो आ गया, इसके बाद ये स्ट्रक्चर यूज करें या ये, तो जब वेयर आ गया है तो हम वेयर द मैरिज हॉल, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया और पीछे आ गया ये वॉज, क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, तो आपको ये वाला यूज करना है, तो ये सेंटेंस एकदम सही है, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, एकदम सही है। ये वाला सेंटेंस ऐसा नहीं बनेगा, वेयर वॉज द मैरिज हॉल,
ये तो तब आप किसी से पूछ रहे हैं तब यूज करेंगे. देखो जैसे मैं इसे हटा दूं, मैं पूछ रहा हूं वेयर वॉज द मैरिज हॉल, मतलब मैरिज हॉल कहां था, तब वो सेंटेंस सही है. लेकिन जब मैं ऐसे बनाऊंगा द ओल्ड लेडी आस्क्ड मी, तब सही बनेगा वेयर द मैरिज हॉल वॉज. ठीक है ना. आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम. ठीक है, ये नॉर्मल सी बात. अच्छा मैं इसको एक बार एक्सप्लेन और करता हूँ. मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप बोलेंगे माई नेम इज डैश डैश. लेकिन अगर मैं ये बोलूं आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, तब ये सेंटेंस गलत है क्योंकि मैं दोनों में व्हाट इज योर नेम लगा रहा हूं. लेकिन इस वाले सेंटेंस में मैं बोलूंगा आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, मैं नहीं जानता आपका नाम क्या है. ठीक है, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया. आई आस्क्ड हिम व्हेन डिड ही इंटेंड टू पे बैक माई मनी ही हैड बोरोड फ्रॉम मी. अच्छा ये बताओ यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इस हिसाब से नहीं आ रहा. तो जब क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा तो ये वाला फॉर्मेट तो लगेगा ही नहीं. अब जब एंड में केवल फुल स्टॉप आ रहा तो ये वाला फॉर्मेट लगना चाहिए. तो देखो आई आस्क्ड हिम वेयर, डिड नहीं, डिड तो उसके लिए हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के लिए, तो आएगा आई आस्क्ड हिम व्हेन ही, इसको हटा के ही इंटेंडेड, क्योंकि डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए यूज किया जाता है. I asked him when he intended to pay back my money. He had borrowed from me. When she did not find her servant in the house, जब उसने अपने सर्वेंट को घर पे नहीं पाया, she asked her husband. उसने अपने हस्बैंड से पूछा, where had he gone? वह कहाँ चला गया? उसने इस हिसाब से पूछ तो उसने यही लिया है, तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन मार्क आ ही नहीं रहे. तो आपको पता चल गया जब क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है तो मतलब नहीं आ रहा है तो ये वाला तो लगेगा ही नहीं, ये वाला रूल अप्लाई किया जाएगा. तो पहले सब्जेक्ट पीछे हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट आ रहा है इसमें तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो सेंटेंस गलत है. तो आपको बनाने की जरूरत है वेयर ही हैड गॉन. आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया. सही बोल रहा था शिफ्टिंग एरर, जो एरर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. दोबारा से एक बार लास्ट बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ. डब्ल्यू एच फैमिली वाई वेयर वर्ड मैन, जो भी आपको पता है बहुत सारी डब्ल्यू एच फैमिलीज होती है, उसके पहले सबसे पहले दैट का यूज नहीं लगेगा और उसके बाद दो कंडीशन अप्लाई होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब तो पहले में तब यूज होगा जब क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, दूसरा वाला तब यूज होगा जब फुल स्टॉप हो रहा होगा, हम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे. ठीक है ना, आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया. चलिए हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं. So guys, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रूल देख लेते हैं. रूल नंबर 7. रूल नंबर जो 7 है वो बिफोर और आफ्टर जब किसी सेंटेंस में यूज किए जाएंगे, स्टार्टिंग या बीच में, तब हम इसे कैसे यूज करेंगे. सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ आपके लिए. पहले एक सेंटेंस लिखता हूँ छोटा सा, फिर आपको कन्वे करता हूँ कैसे यूज करना है. मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था. तो ये है पहली बात, तो कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ बिफोर और आफ्टर. जब कभी सेंटेंस से पहले या से बाद, से पहले या से बाद का यूज हो रहा हो तब हमें कैसे यूज करना है. देखो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये कंडीशनल सेंटेंस है जो टेंसेस में यूज किया जाता है. इसको कैसे बनाना है देखो, सबसे पहले आपको अगर इंग्लिश में यूज करना है तो इसके लिए तो पहले बिफोर का यूज आएगा ही बीच में, है ना, बीच में बिफोर का यूज आएगा. अब याद रखना है जब कभी भी बिफोर बीच में यूज आएगा तो इसके जस्ट तुरंत बाद हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है. इधर देख लो अच्छे से, बिफोर के जस्ट तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, बिफोर से पहले हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है. ये आपको रूल याद रखना है, बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. लेकिन से के बाद आ जाए इधर, मतलब के बाद, है ना, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था ना, इस हिसाब से के बाद को बोलते हैं आफ्टर. तो आपको ये रूल याद रखना है, आफ्टर में कंडीशन अपोजिट हो जाती है. इसका मतलब आफ्टर के जस्ट तुरंत बाद हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है और इससे पहले हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है किसी भी सेंटेंस में जो हम बिफोर और आफ्टर के सेंटेंस बनाएंगे. क्लियर हुआ. अब देखो इसमें हो क्या रहा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था. इसका मतलब पहले हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, रोगी मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले. इसका मतलब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकंड सेंटेंस है, सेकंड पहले बनाया जाएगा और फर्स्ट को बाद में बनाया जाएगा और इसे बिफोर
या आफ्टर से जोड़ा जाएगा, बस आपको ये याद रखना है। क्लियर हुआ? इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। देखो इधर आ रहा है बिफोर, ठीक है ना, सबसे पहले आपको ये देखना है। बिफोर के जस्ट तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिफोर से जस्ट तुरंत पहले हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो बिफोर के साथ तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां से ये काट देता हूं मैं, सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। और इधर द पेशेंट के साथ मैं कर देता हूं हैड डाइड। द पेशेंट, अब सही है सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब रोगी, मतलब डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पेशेंट मर चुका था। क्लियर? नेक्स्ट देख ले, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। इधर देखो आफ्टर का यूज हो रहा है, मैंने आफ्टर के लिए कंडीशन बताई कि आफ्टर के जस्ट तुरंत बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उससे जो पहले सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट डाइड। इधर देखो आफ्टर के साथ हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड यूज करना है हमें, हैड डाइड, और इससे पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है। इधर देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, तब ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। The train departed when he reached the station. अच्छा ये when का use है, before का ही मतलब है, before का ही मतलब है, इसका मतलब when। तो देख लेते हैं when और before का same use किया जाता है। Before के just तुरंत बाद verb की second form आनी चाहिए, इससे पहले head plus verb की third form आनी चाहिए, है ना, आपको पता है, अभी मैंने रूल पढ़ा है। तो देखो before के बाद second form आ रही है, clear है, कोई problem नहीं। लेकिन इससे पहले देखेंगे हम, यहां भी सेकंड फॉर्म नहीं, यहां हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाए। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर या व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन। माय मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर आई कम। ठीक है, अब यहां पे यूज हो रहा है आई कम, इसका मतलब बिफोर आ रहा है और उससे पहले, उसके जस्ट तुरंत बाद क्या आ रहा है, प्रेजेंट इंड। अब दूसरा मैं रूल बताता हूं, इसे मैं रफ कर देता हूं। दूसरा रूल आपको ये याद रखना है कि जब कभी बिफोर का यूज हो रहा हो, देखो इसका मतलब ये है, मेरे आने से पहले मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी, बना चुकी होगी। अब ये फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, अभी तक पास्ट में था। अब फिर सेम वही क्या करेंगे, पहले हमें मेरी मम्मी खाना बना चुकी होगी, इसे पहले बनाएंगे, और मेरे आने से पहले से सेकंड, और इससे पहले, इसको दोनों को बिफोर से जोड़ा जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ चुकी होगी, चुकी होगी विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा वो बनेगा विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद बिफोर, और इससे इसके जस्ट तुरंत बाद, बिफोर के जस्ट तुरंत बाद हमेशा हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म किस बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। माय मदर विल हैव, क्या आएगा, विल हैव कुक द फूड बिफोर आई कम। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिफोर आई कम, तो यहाँ पे दूसरा रूल बिफोर का ये है कि बिफोर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इससे पहले विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। यू विल हैव टोल्ड मी बिफोर आई विल गेट टू नो। बिफोर आ गया, पहली बात तो दो सेंटेंस में विल, दो विल नहीं हो, एक सेंटेंस में दो विल नहीं हो सकते, तो हमें काटना है बिफोर आई गेट टू नो। बिफोर आई गेट टू नो मतलब बिफोर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इससे पहले क्या लगेगा, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस सही, केवल हमें विल हटाने की जरूरत थी। शी हैड टोल्ड मी द ट्रुथ बिफोर आई स्कोल्डेड, तो बिफोर आ गया है ना, तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो हमारा ये पहला वाला रूल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी तो इससे पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, तो यहाँ शी हैड टोल्ड मी द ट्रुथ एकदम सही है, इसका मतलब यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगी, तो ये सेंटेंस एकदम सही है। Before the bell stopped ringing, Rahul had pulled up the curtains. इधर देखो, before अब पहले use हो गया है, तो कोई problem नहीं है। ये बताओ, before के just तुरंत बाद क्या लगता था पहले? Verb की second form, verb की second form. ये देखो, verb की second form आ रही है, तो सही है। अब इससे पहले तो कोई sentence नहीं, लेकिन उससे बाद sentence ये है, had pulled. तो ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था, had के साथ verb की third form लगेगी।
दोबारा देखो, बिफोर द बेल स्टॉप रिंगिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो उससे आगे दे रखा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. द इंडियन सोल्जर किल्ड द टेररिस्ट बिफोर दे एंटर्ड द स्टेशन, फिर बिफोर आ गया, बिफोर की जस्ट तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो हमें पता है इससे पहले रूल क्या लगता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सोल्जर हैड किल्ड आना चाहिए, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो किल्ड है लेकिन हैड का यूज नहीं हो रखा है. द इंडियन सोल्जर हैड किल्ड द टेररिस्ट बिफोर दे एंटर द स्टेशन. लास्ट देख लेते हैं, आफ्टर आई हैड टेकन सम वेजिटेबल्स माय फादर हैज सेंट मी टू द मार्केट. आफ्टर आ गया, आफ्टर के साथ मैंने बताया था कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया. अब इससे पहले कोई सेंटेंस नहीं, लेकिन इससे बाद में सेंटेंस ये है, माय फादर हैज सेंट मी, तो यहां हैज गलत है क्योंकि इसके जस्ट तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो यहां आ जाएगा माय फादर सेंट मी टू द मार्केट. आई थिंक सो आपको क्लियर होंगे. मैं दोबारा से एक बार रूल लिख देता हूं यहां से, यहां पर दोबारा से, जब कभी किसी सेंटेंस में बिफोर स्टार्टिंग में आएगा तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है आपको, और यही आफ्टर के लिए भी यूज होगा. आफ्टर के लिए क्या यूज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ, और इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब इन दोनों का अपोजिट कर दिया जाएगा ना. और ये तो था जब चुका था की कंडीशन है, चुका था, लिया था, दिया था, मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज जब हो रहा हो किसी सेंटेंस में तब यूज. लेकिन अब आएगा चुका होगा, चुकी होगी, मींस फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही होगी, परफेक्ट, तो आपको क्या यूज करना है, बिफोर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इससे पहले विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बस ये रूल करा है इसी के अंदर, ठीक है ना. तो आई थिंक सो रूल नंबर 7 भी क्लियर हो गया. चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो गाइस चलिए हम आज का लास्ट और रूल 8 देख लेते हैं, यूज ऑफ सिंस. सिंस का यूज कब और कैसे करना है. देखिए सिंस के दो रूल्स हैं. सबसे पहले आपको ये देखना है, कभी भी सिंस अगर बीच में या स्टार्टिंग में आ रहा हो तो उससे उसके जस्ट तुरंत बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है. वर्ब की सेकंड फॉर्म इससे पहले हैज और हैव का यूज करना है, जिसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. सिंस के जस्ट तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उससे पहले हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना ही करना है. दूसरा रूल आप सभी ने जो पढ़ा है, पीपीसी और पी है ना, एफपीसी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसे हम टाइमिंग एक्शन बोलते हैं, टाइमिंग एक्शन ना, जिसके अंदर हम क्या क्या यूज करते हैं, सिंस फॉर और सिंस का यूज करते हैं. मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि ज्यादा टाइम ना लगे. तो देखिए आपको पता ही होगा कि इसके लिए क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या विल हैव या हैड, इन सब का यूज करते हैं. प्लस में हम बीन लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, प्लस में फिर सिंस या फॉर का यूज होता है, आपको पता ही है ये रूल. तो ये सेकंड रूल है सिंस का. फर्स्ट रूल है सिंस के जस्ट तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उससे पहले हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सेकंड रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव विल हैव हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस फॉर, जिसे हम टाइमिंग एक्शन बोलते हैं. तो टाइमिंग एक्शन सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है आपको बताइए, जब कभी फिक्स टाइम दिया हो, फिक्स टाइम कब की बात की जा रही हो तो हम सिंस लगाएंगे. वो सारे मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं. फॉर तब यूज होगा जब टाइम अनफिक्स हो, मतलब फिक्स ना हो, टाइम फिक्स ना हो, तब हम ये यूज करते हैं फॉर. तो देखेंगे, सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक ब्राइब, मतलब जब से उसने ज्वाइन किए पोस्ट उसने अभी मतलब उसने ब्राइब नहीं ली, रिश्वत नहीं ली. तो ये कौन सा रूल है, पहला है दूसरा, सिंस आ गया, सिंस के जस्ट तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, तो आपको पता चल गया ये वाला रूल है. सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट, तो आपको पता हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा. He did not take bribe नहीं आएगा, क्योंकि has have की third मतलब negative point, negative क्या बनता है, hasn't और haven't plus verb की third form, तो ये इधर हो जाएगा he hasn't taken bribe, ना कि did not take bribe, ऐसा नहीं होगा. Their families are living in this house for the last 3 decades.
फोर आ गए टाइमिंग एक्शन और थ्री डिकेट्स भी आ गए, तो ये टाइमिंग एक्शन में दूसरा रूल है, देयर फैमिलीज आर लिविंग नहीं होगा, हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, तब ये सही होगा, या आप यूज कर सकते हैं देयर फैमिलीज हैड बीन लिविंग या देयर फैमिलीज विल हैव बीन लिविंग, ये वाला रूल है ना. She had been worked here for 2 years. फिर आ गया four. इसके बाद timing action, इसका मतलब second वाला rule है. तो four 2 years आ गया, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है, ये सब चीजें लगानी. तो she had been worked. Worked नहीं आना चाहिए, working. She had been walking. क्योंकि third form तो है ही नहीं था. Verb की first form के साथ ing का. She had been walking for walking here for 2 years. नेक्स्ट देख लेते हैं, he has been knowing me since his childhood. अब आप बोलेंगे यहाँ रहे since और ये हो रहा है टाइमिंग एक्शन, तो इसके साथ has been और verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आ रहा है, तो एकदम सही है. लेकिन ये सेंटेंस एकदम गलत है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ यहाँ हमारे पास टेंसेस के अंदर कुछ वर्ब्स ऐसी है, जैसे आप बात करें यहाँ दिख रहे हैं, जैसे हम बात करें see, feel, understand, इसे अच्छे से समझेंगे, या दूसरी बात नो, कुछ यहाँ वर्ब्स है हमारी, जब कभी हम इसका यूज करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में करते हैं, इसका मतलब इसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते. जैसे कि आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ये सही सेंटेंस है, ना कि आई एम अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स, सेंटेंस गलत है. दूसरा आई एम नोइंग यू, सेंटेंस गलत है, सही सेंटेंस है आई नो यू वेल. नेक्स्ट बोलते हैं आई एम सीइंग यू, सेंटेंस गलत है आई सी यू, ये सेंटेंस एकदम सही. तो यहाँ पे वही रूल लग रहा है कि नोइंग कोई, ये ऐसे यूज होगा नहीं नोइंग. तो अब क्या करें जब कुछ ऐसी वर्ब्स आ जाए जिनको हम आई एन जी से नहीं बना सकते, तो अब हमें क्या करना है, तब हमें नॉर्मल क्या करना है, हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है. क्लियर हुआ? तो हम क्या करेंगे, ही हैज बीन हटा देंगे, ही हैज नोन, तब सेंटेंस कैसे सही जाएगा, he has known me, तब ये सेंटेंस सही होगा. हालांकि ये PPC का ही रूल है और इसके साथ been plus verb के फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे see, feel, understand, know, touch, hope, है ना, ये सारी चीजें क्या है, मतलब verbs है जिनके साथ हम ing का यूज नहीं करते, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है. तो इसका दूसरा रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ. दूसरा रूल ये होता है जब कभी आपकी ये verbs आ जाए तो आपको सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. किसके साथ? जब कभी आपको सी दिख जाए, फील दिख जाए, होप दिख जाए, अंडरस्टैंड दिख जाए, ठीक है, या नो दिख जाए. बहुत सारी वर्ब्स हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आई हैड बीन राइटिंग 6 letters सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आ गया, इसका मतलब ये वो वाला रूल है, सेकेंड वाला सिंस मॉर्निंग. तो यहाँ आ रहा हैड बीन राइटिंग, एकदम सही है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई. शी विल हैव बीन सीइंग मी For 2 days. फिर से आगे seeing नहीं आना चाहिए, क्योंकि see को हम केवल verb की first form के साथ या third form के साथ use करते हैं, ing के साथ नहीं. तो आएगा she will have, ये कट दिया और ये आ जाएगा seen. She will have seen me for 2 days. Nobody saw him since the fire broke in his locality. ये आ गया since के just तुरंत बाद verb की second form. अच्छा यहाँ कोई timing action तो है नहीं, तो ये first वाला rule बन गया. सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इससे पहले क्या बनना चाहिए, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो नोबडी के साथ हैज आता है, आपको पता है नोबडी हैज सीन और थर्ड फॉर्म ऐसे, तो आंसर सही होना चाहिए नोबडी हैज सीन सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी. लास्ट क्वेश्चन इधर देखेंगे, द आर्म्स ट्रेड हैज ऑपरेटेड ऑन द मोरालिटी ऑफ द चेक बुक फॉर टाइम इमेमोरियल. इधर देखेंगे मैंने ये लिखा है ना टाइम इमेमोरियल, तो इसके साथ आपको हमेशा सिंस यूज करना है, सिंस टाइम इमेमोरियल मतलब अनंत काल तक, अनंत समय तक. तो इधर देखेंगे द आर्म्स ट्रेड हैज ऑपरेटेड, इसका मतलब ये हैज लग गया है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वाला रूल बन रहा है, ये थर्ड वाला रूल बन रहा है, ये सेकंड था, ये थर्ड रूल ये वाला बन रहा है कि ऑपरेटेड, ऑपरेट को हम आई एन जी लगा के नहीं बना सकते, इसलिए इसने हैज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाई. तो द आर्म ट्रेड सिंस हैज ऑपरेटेड ऑन द मोरालिटी ऑफ द चेक बुक्स फॉर, नहीं आना चाहिए सिंस, यहां तक दिख पा रहे हैं ना अच्छे से, सिंस टाइम इमेमोरियल, आपको याद रख लेना है टाइम इमेमोरियल के साथ आपको सिंस लगाने, बस ठीक है. आई थिंक सो आज हमने अपना बेस्ट दिया यहाँ पे पूरा,
और आपको पता ही चला होगा कितनी सारी चीजें सीखने को मिली, तो कृपया इसे नोट डाउन जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार वीडियो वॉच आउट की आपको ये चीज समझ गई, ऐसा नहीं है। ये यहाँ टेंसेज है, टेंसेज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाले बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली क्वेश्चन हैं, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप इसे नोट डाउन करेंगे। और हम और हाँ, अभी तक के लिए पार्ट वन में इतना ही रूल है, अभी कम से कम नहीं तो आपको मैं बता दूँ 10 से 15 रूल और है। जब 10 से 15 रूल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे या जितने भी रिमेनिंग है उसके बाद आप देखेंगे 10 से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे डील कर पाएंगे विद इन टाइम लिमिटेशन, लेकिन उसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा हाँ, दूसरा कुछ, अगर नए व्यूवर्स हैं जो वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें मतलब कोई भी नई वीडियो आती है तो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। और कमेंट जरूर करें कि कमेंट से ये पता चले कि स्पीड थोड़ी स्लो करनी है, तेज करना है, या क्या पढ़ाना है, एक्स वाई जेड बहुत सारे क्वेरीज हो सकती है। सो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जा करके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए पार्ट वन में इतना ही है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट टू में टेंस से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।